यह बजट आम आदमी के लिए है और इसमें गरीबों की सुविधाओं की विशेष ध्यान रखा गया है। पेयजल की सुविधा वाले दीनदयालु कोच जो हर ट्रेन में लगेगा उससे अनारक्षित यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और जो यात्री रिजर्वेशन पाते नहीं थे और किसी अर्जेंट काम से उनको आना जाना पड़ता था, उनको टिकट न मिलने की स्थिति में जबरन रुकना पड़ता था, उनको काफी सुविधा मिलेगी। सुपरफास्ट अंत्योदय एक्सप्रेस से भी अनारक्षित यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। लगातार दूसरा वर्ष ऐसा है जिसमें रेल बजट में किरायों में वृद्धि नहीं की गई। हम सफर, तेजस और उदय ये तीनों ट्रेनों के माध्यम से ज्यादा गति, ज्यादा सुविधा और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को समावेश करने के लिए एक नई पहल की गई है। रेल मित्र की संकल्पना से वृद्ध और दिव्यांग यात्रियों का विशेष ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित कोटा में आरक्षण कर एक अच्छी पहल की गई है। सभी बंदरगाहों को रेल से जोड़कर देश के उद्योग और देश के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम मोदी सरकार ने उठाया है। उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर पर विशेष ध्यान देकर देश की सीमाओं तक रेल को पहुंचाने का जो लक्ष्य है इसकी पूर्ति में एक विशेष कदम उठाया गया है। वो उत्तर पूर्व के विकास, जम्मू कश्मीर के विकास के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। 400 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा देने का जो लक्ष्य रखा है, मैं मानता हूं कि युवा यात्रियों के लिए इससे अच्छा कोई कदम नहीं हो सकता।